नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति पाराशर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबरों पर। IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसको रूबरू कराती है IN7 न्यूज। मैं हृदेश द्विवेदी। अब खबर विस्तार से आपको बता दें कि निवाड़ी में मतदाता जागरूकता रैली का एक आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर अक्षय सिंह ने अगुवाई की और उनके साथ में SDM संतोष तिवारी, तहसीलदार राजेश बोराजी के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और लोगों को जागरूकता, मतदाता जागरूकता के लिए, मतदान करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया। नगर से गुजरती हुई यह रैली अंबेडकर चौराहे होते हुए बाईपास तक गई, वहां पर रैली का समापन किया गया और सभी से कलेक्टर अक्षय सिंह ने गुजारिश की कि आप बृहद रूप से मतदाता के रूप में मतदान अवश्य करें। इसी के साथ IN7 न्यूज में बने रहिए आप हमारे साथ। आज कहाँ कहाँ कैसे घूमेगी? ये शहर के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसको हम कवर करना चाहेंगे, ताकि शहर के लोगों के माध्यम से पूरे ज़िले में ये खबर जाए। और शहर में जितना भीड़ भी है काफ़ी, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कराएँ। कितने लोग आए होंगे इसमें? पूरे सभी विभागों के होंगे क्या? हाँ, बहुत सारे विभागों के 1000 के आसपास। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर महिलाएँ। मतदाता जागरूकता महिलाओं के माध्यम से ज़्यादा होता है? देखिए ऐसा नहीं है, परंतु वोटिंग का प्रतिशत क्योंकि इस ज़िले में यो भी कम रहा है, महिलाओं का और भी कम रहा है, तो बड़ी चिंता की वजह है। इतने सारे प्रयास के बावजूद भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बहुत धीमी गति से बढ़ना तो बड़ा चिंता का सवाल है। उससे कोशिश की है कि वो जो कंपोनेंट है जिसमें बढ़ने की बहुत गुंजाइश है वो उसको हम टैप करें। इसके अलावा यही व्यवस्था होनी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो एक झूला घर जो पालना घर बोलते हैं छोटे बच्चों का, वो व्यवस्था भी दिव्यांग, तो वो व्यवस्था भी पहली दफ़ा हो रही है, जिनके माध्यम से ही होना है। तो वो मैसेज भी पहुँचाना था कि उस दिन बच्चों की व्यवस्था दिव्यांगों को रोक दिया जाता है, क्या दिव्यांग वहाँ तक जा पाए? दिव्यांगों के लिए एक तो वहाँ पर जाने की व्यवस्था ही, उसके लिए एक सुगम्य ऐप भी इलेक्शन कमीशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें आप रजिस्टर करके आप एक पर्ची निकालिए तो कहीं आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। वैसे भी इस बार 100% मतदान केंद्र की ऐसी व्यवस्था रहेगी कि कहीं पर कतार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और छाया भी इतना बड़ा करना है, आयोग ने ये कहा है कि सर जनता को एक संदेश दें। जनता के लिए यही संदेश है कि हमारा जो जिला है इस बात के लिए एक किस्म से बदनाम रहा है, वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम होता है और महिलाएं का प्रतिशत के लिए बदनाम रहा है, केवल कम होता है। चुनाव के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो तो शांतिपूर्ण हुआ पर वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम हुआ, अभी उसमें बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। और इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि इतना 100% लोग बाहर निकलें और मतदान करें। ये 6-5 को 6 मई को जो हमारा प्रजातंत्र का जो लोकतंत्र का महापर्व है, ठीक है, उस पर्व को उसी रीति से माना जैसे बाकी पर्वों को मनाते हैं। ठीक सर, बहुत अच्छा लगा कि जागरूकता अभियान आपने चलाया और अच्छे ढंग से आपने रैली निकाली, जनता को संदेश दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत।